हेलो दोस्तों, अनीताज किचन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, आज मैं चिकन कोफ्ता की रेसिपी ले आई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो चिकन कोफ्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन को मिंस करके रखी हूँ पहले से। मिंस करने के पहले मैंने इसे हल्के से उबाल ली थी। अब मैं इसमें थोड़ी सी मैदा डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए, अराउंड 2 टीस्पून। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी जिंजर, थोड़ी सी कोरिएंडर लीफ। अब मुझे इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक साथ मुझे बाइंड करके मैं एक इसका स्मॉल बॉल्स बनाऊंगी। तो मैंने बॉल्स बना लिए हैं, अब मैं इन सबको डीप फ्राई कर लेती हूँ। कोफ्ता बनाने के लिए मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ दोस्तों, जिसको मैंने पहले से ही चढ़ा के रखी थी। अब मैं इसको तल ले रही हूँ डीपली। मेक श्योर तेल बहुत अच्छे से गर्म होनी चाहिए, नहीं तो ये चिपकने लगते हैं आपस में। चलो दोस्तों, जब तक कोफ्ता वहाँ फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ थोड़ी सी ये प्याज को भून ले रही हूँ। अदरक लहसुन और एक टमाटर, थोड़ी सी गरम मसाला। मैं इन सबको एक साथ हल्की से सॉटे करके मैं इनका एक फाइन पेस्ट बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये हो गई है। अब मैं इसका एक फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी गर्म मसाला भी ऐड की है। पहले इसको ठंडा कर लेती हूँ। तो दोस्तों, मेरी कोफ्ता फ्राइड रेडी है। अब मैं इसकी ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। ये एक्स्ट्रा ऑयल है जिसमें मैंने कोफ्ता फ्राई की थी, तो मैंने इस पैन में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने जो प्याज फ्राई की थी मैंने उनको ग्राइंड कर लिया। अब मैं उसी को यहाँ पे फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ऑयल तो गर्म है ही, मुझे ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मसाला भी मैं ज़्यादा भूनूंगी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी सी तो हल्की सी भूनी थी पहले ही। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर आप जैसे पसंद करते हो, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि कोफ्ता में भी नमक है, तो आप थोड़ा सा कम ही यूज़ कीजिएगा। मसाले हो गए हैं, अब इसमें चिकन स्टॉक डाल दे रही हूँ। अब इसमें कोफ्ता बॉल्स डाल के 2 से 3 मिनट्स और मैं पका लूँगी, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। चिकन कोफ्ता रेडी हो गई है सर्विंग के लिए। ये रोटी एंड पराठे के साथ बहुत अच्छी जाती है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसके साथ। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगली बार आप क्या रेसिपी देखना पसंद करोगे ये भी बताइएगा। नेक्स्ट बार भी नई रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक लेटा टबा बाय एंड टेक केयर।